सफर है मेरा, मेरी कंपनी का और केसरा सरा और सतीश भाई का, जहां हम इस साल तो 5 फिल्में रिलीज़ करेंगे दुर्गा गेली को लेकर, लेकिन अगले साल हमारा लक्ष्य है कि हम 25 फिल्में रिलीज़ करेंगे, वर्चुअली बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे, कम पैसे में इतना देंगे जो बड़ी फिल्में भी में भी नहीं मिलता। तो ये दो सफ़र जो हैं अब एक सफ़र हो चुका है और यही आज की ये मीटिंग है, आज की ये कॉन्फ्रेंस है, जहां हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का एक मिलन हुआ है और हमारी फिल्में जो है वो अब इस तरह बनेगी, ये फिल्म मेकिंग का फ्यूचर भी है। तो यही मैं कहना चाह रहा था, आपके सवाल, थैंक यू वेरी मच। आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग कहते हैं कि बुरा वक्त जो है उससे बचो। जब मैं मुड़कर देखता हूँ अपने 53 इयर्स की जर्नी को, मुझे बस एक ही बात समझ में आती है कि जब भी मेरी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आया, तभी वहाँ से एक अजीब सी ताकत, अजीब सी एनर्जी पाकर कुछ नया मेरे अंदर पैदा हुआ। कुछ ऐसा ही हुआ विक्रम के साथ। 2 साल की दुनिया रुक गई थी और ये बच्चा जो है डेस्परेटली कोशिश करता था किसी ना किसी तरह वो अपने एस्टैब्लिशमेंट को खड़ा रखे। शूटिंग अनाउंस होती थी कोविड के दौरान, कुछ रिलैक्सेशन होता था, शूटिंग शुरू होती थी, सेट पे जाते थे, फिर कोई बीमार हो जाता था, फिर शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी। एक तो पैसे की कमी, ऊपर से जब जो पैसा सेट लगाने में या सब कुछ एक साथ लाने में खर्च हो जाता था वो फिर पानी पानी हो जाता था। तो बिल्कुल ऐसे बोलते ना कि हैव कम टू अ प्रेसिपिस, के बस
नीचे जाएगा या पंख अचानक कहीं से आएंगे और उड़ेगा आसमान में, और कौन कहता है कि मिरेकल्स नहीं घटते? जज्बा तो हो आपके अंदर, तो पंख लग गए इसके, और इसने ये एक अजीब जबान में बोलना शुरू किया मेरे साथ में। अब कहते हैं ना कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द पेरेंट, और इसने मुझे, हम कभी ये कभी मेरी उंगली पकड़ के चला करता था, आज मैं इसका हाथ पकड़ के चलता हूँ, ये मुझे वो दिशा दिखाता है, वो नई सुबह की तरफ ले जाता है, जहाँ पर ये 15 साल का बच्चा लगाया था जिसने आज ये मुझे पिक्चर के अपना पोस्टर क्रिएट किया है। तो ये अजीब एक दौर है, वक्त ने कहीं पर गड़बड़ की है, मगर हमारी इंडस्ट्री शायद अब भी चेंज अवर्स। ऐसे में सतीश जी के अंदर वह इंस्टिंक्टिव समझ, ऐसे नहीं बनता आदमी इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर, कहीं पर इनके अंदर वो एक समझ है, एक इंस्टिंक्ट है कि ये व्यक्ति जो है भविष्य से बात कर रहा है, बाकी सब जो है अतीत को दोबारा में दोबारा जान फूकने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग टू द फ्यूचर। तो जैसे मैंने कहा कि विक्रम हमारा मंत्र सिर्फ यह है कि हम 10 करोड़ की चीज़ को 100 करोड़ का एक रूप दे सकते हैं, और पूरा बाजार इसी पे खड़ा है, मोर फॉर लेस, मोर फॉर लेस, मोर फॉर लेस। और खास करके ये पैंडेमिक के टाइम पे जहाँ पर पैसे की हीनता है, जहाँ पर इकोनॉमी बिल्कुल ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आ गई है, ऐसे में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे प्रोडक्शन हाउस को नहीं सर्व करेगी, मगर जब आपके पास एक शक्ति आती है, आपके पास एक ताकत आती है, ऊर्जा आती है, तो उससे सारी इंडस्ट्री को फायदा होगा। रीजनल सिनेमा के लोग हैं, हमारे मित्र जो है पंजाब से आए थे, वो सतीश जी से मिल गए, विक्रम से मिल के गए हैं, तो वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हमारी फिल्मों में इतना बड़ा लुक कैसे आएगा, जो बड़ी स्टारकास्ट फिल्म का लुक होता है। आज के ज़माने में कंज्यूमर को आदत हो गई है गुड लुकिंग लैविश प्रोडक्ट्स। अब नॉन स्टारकास्ट के साथ जब फिल्म बनाते थे तो पैसा नहीं होता था, बंद कमरों में छोटे छोटे लोकेशन पे, मगर आज टेक्नोलॉजी ने ये डेमोक्रेटाइज कर दिया है। आज कंटेंट चलेगा मगर कम पैसों में, वो जो ग्रैंडर, वो जो पैकेजिंग है, ये जो इनका जो वर्चुअल पार्टनरशिप का जो ये आउटफिट है, ये आपको इनेबल करेगा कि आप आपका कंटेंट भी बिल्कुल उस मैार तक ले जाएं जिस जो मैार जो है सबसे बड़ी फिल्मों का होता है। ये अपने आप में ही एक रेवोल्यूशन है, क्रांति जब घटती है तो ऐसा कोई ढोल बीतना नहीं पड़ता है, अचानक साइलेंटली समथिंग हैपन्स, और आहिस्ता आहिस्ता एक अवर्स चेंज डिनाइंग जो एक इंडस्ट्री होती है वो रिलक्टेंटली मगर मानती है कि हाँ परिवर्तन घट चुका है, वक्त ने करवट ले ली है, एंड नाउ दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये सारे विजुअल, वो सारे हमारी फिल्म के हैं वर्चुअल, और ये सारे वर्चुअली बनाए, हम कहीं नहीं गए, ये पूरी शूटिंग यहाँ हुई। ये देखिए ये जो घर हैं, ये जो दुनिया है, ये हमने। सतीश सर आप क्या कहना चाहेंगे इस एसोसिएशन के बारे में और वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में? शुक्रगुजार हूँ विक्रम जी का और महेश जी का, धन्यवाद करता हूँ उन्होंने मुझे एसोसिएट्स साथ में हुए, और ये एक रिवोल्यूशन है पूरी इंडस्ट्रीज के लिए, बहुत ही यूनिक रिवोल्यूशन है। जैसे जैसे इसकी जानकारी लोगों तक जाएगी, सभी लोगों के लिए ये बहुत लाभदायी और उपयुक्त बनेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ले सर, ये फिल्म 15 जुलाई को रिलीज हो रही है, तो इसका ट्रेलर कब तक आ जाएगा? इसका ट्रेलर जब बन जाएगा जो फैक्ट है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगा, लेकिन मेरी सोच ये है कि पिक्चरों के ट्रेलर बहुत जल्दी रिलीज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट में खबर 3 घंटे के बाद स्टेल हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो सतीश भाई से मैं
डिस्कस करूंगा, उनकी राय भी लूंगा, क्योंकि ये रिलीज़ को सतीश भाई कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से रिलीज़ के 21 या 25 दिन पहले ही करना चाहिए प्रोमो रिलीज़, तो ये मेरी सोच है। इंडिया की पहली वर्चुअल फिल्म है तो उसका टैग केसर असेरा और विक्रम भट्टी को मिलेगा, तो इसके बारे में क्या खुशी, क्या जाहिर करना चाहेंगे आप? एक्चुअली मैंने तो ये कहा है सतीश भाई से कि हमारी पिक्चर के वर्चुअल शॉट्स इतने अच्छे होने चाहिए कि लोग बिलीव ही ना करें कि हमने वर्चुअली किया है, वही हमारी जीत है। मेरे पिताजी प्रवीण भट्ट कैमरामैन हैं और वो मुझे कहते थे कि अगर पिक्चर देखते वक्त अगर ऑडियंस बोले कि वाह क्या शॉट है, तो वो कैमरामैन की हार है, जीत नहीं। सही बात। ऑडियंस को कहानी से बाहर कभी आना नहीं चाहिए, तो हमारी कोशिश ये है कि वर्चुअल वर्ल्ड इतना अच्छा लगे, इतना सही लगे कि आपको लगे ही नहीं वर्चुअल, वही जीत है हमारी। सर फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे सर, जुदा होके भी कास्टिंग क्या है? जुदा होके भी एक यूँ समझिए कि जैसे राज बनाई थी, राज अपने आप में एक भी कल्ट फिल्म बन चुकी है, लेकिन उसकी तीन चार खूबियाँ थी। एक तो खूबी ये थी कि भट्ट साहब ने लिखी थी, उसके बाद कोई भी राज भट्ट साहब ने नहीं लिखी, तो मैंने भट्ट साहब पे यह आग्रह किया कि भट्ट साहब ये आप ही लिखें वरना ये बनेगी नहीं। तो पहली राज की तरह ये जुदा होके भी बॉस ने लिखी है, मैंने डायरेक्ट की है। म्यूज़िक, लव स्टोरी और हॉरर, ये कॉम्बिनेशन था राज वन का और यही कॉम्बिनेशन है जुदा होके। एक सवाल जब हम स्टोरी से डील कर रहे थे तो भट्ट साहब ने मुझे पूछा कि विक्रम ये